Good morning, students. Today I will teach you chapter 8, houses, then and now. Houses, then and now means घर पहले कैसे होते थे और अब कैसे होते हैं. तो सबसे पहले हम वो houses देखेंगे जो पहले होते थे. In the picture you can see कच्चा हाउस. इस तरह से पहले जो बहुत पहले की बात होती है तो मोस्ट ऑफ हाउसेस इस तरह के कच्चा हाउस होते थे. सो स्टार्ट, वी विल स्टार्ट द चैप्टर नाउ. वन डे नीतिका आस्क्ड हर ग्रैंड मदर व्हाट काइंड ऑफ हाउस सी लिव्ड इन व्हेन सी वाज यंग. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट When she was young, most of people lived in villages and built kachcha houses. Neetika ne apni grandmother se ask kiya, pucha ki wo kis tarah ke houses mein rehti thi jab wo young thi. Apni grandmother se, to grandmother to uski abhi old ho chuki hain, to kafi pehle ki baat hogi. So, her grandmother told her that when she was young, most of people lived in villages and built kachcha houses. जब वो young थी तो people जो थे लोग वो लोग villages में रहते थे और kachcha house बनाते थे. Self, अपने family members के साथ मिल करके खुद से ही वो लोग कच्चा हाउस बनाते थे. तब बहुत इतना ज़्यादा जो अभी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई हैं, लोग सिटीज़ में आकर के यहाँ पर रहने लगे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं थी वहाँ पर. पहले के ज़माने में ज़्यादातर लोग किस पे डिपेंडेंट थे, फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट थे, तो वो विलेजेस में ही रहते थे और अपने लिए इस तरह के कच्चा हाउस. जो मड और स्ट्रॉ की मदद से बने हुए होते हैं तो वो लोग इस तरह से बनाते थे. दे डिड नॉट कॉस्ट मच. दे वर यूजुअली मेड बाय फैमिली मेंबर्स देमसेल्फ. वो उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे इसलिए वो लोग अपने जो ये कच्चा हाउस है फैमिली मेंबर्स के साथ में मिल करके ही बनाते थे. सी, ये देखो, इसमें हाउसेस बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय फैमिली मेंबर्स, थ्री पर्सन्स यहाँ दिख रहा है ना. तो इस तरह से वो लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिल करके हाउसेस कंस्ट्रक्ट करते थे, बनाते थे. काउडंक मिक्स विथ मड वॉज यूज टू मेक द फ्लोर. This would keep the insect away. काउ डंक जो होता है जिसको आप लोग गोबर कहते हो, वो मड के साथ मिट्टी के साथ उसको मिक्स किया जाता था और फ्लोर को नीचे जो ज़मीन होती है उसको उससे बनाया जाता था. वो क्यों ऐसा किया जाता था, काउ डंक क्यों ऐसा किया जाता था, यूज़ किया जाता था, बिकॉज ऑफ कीप द इंसेक्ट अवे. जो कीड़े मकोड़े होते हैं उससे दूर रहते हैं. वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि इंसेक्ट्स को दूर भगाने का. काउ डंक से नीचे पूरा फ्लोर बनाते थे वो लोग, तो इसकी वजह से वो पूरे इंसेक्ट्स मतलब घर के आसपास नहीं आते थे. जस्ट लाइक मॉस्किटोज है ना, रात में विलेजेस में ये सब ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांटी एरिया होता है. ठीक है, इसकी वजह से तो वो काउ डंक यूज़ किया जाता था और ये काउ डंक और मड को मिक्स करके वो लोग अपने फ्लोर को डेली उससे स्वाइप करते थे. ठीक है, दे यूज मड टू बिल्ड द फ्लोर वॉल्स. मड मिट्टी है ना, मिट्टी को यूज़ करते थे वॉल्स बनाने के लिए. स्ट्रिप्स ऑफ वुड वर जॉइंट टू मेक अ फ्रेम एंड फिक्स्ड ऑन द फ्लोर वॉल्स. स्ट्रिप ऑफ वुड्स, पतले पतले इस तरह से वुड के स्ट्रिप्स
In this picture you can see a strip of woods. ये लोग यूज़ करते थे बनाने के लिए, उसको एक एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते थे, फ्रेम की तरह बनाते थे और फिर उससे फोर वॉल्स बनाते थे चारों तरफ किसी भी एक रूम का या घर का। आप लोग देखते होगा ना, फोर वॉल्स तो होते ही हैं क्योंकि वो स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा भी होगा उसके फोर वॉल्स तो चाहिए ही चाहिए, तो वो उससे फोर वॉल्स बनाते थे। स्ट्रॉ एंड लीव्स ऑफ ट्रीज लाइक नीम एंड केकर वर प्लेस्ड ऑन द फ्रेम। ये उस स्ट्रॉ का जो फ्रेम बनाया जाता था उसके बाद नीम और केकर का ट्री का लीव्स, बड़े बड़े ट्री के लीव्स होते हैं, मतलब उन लोगों के लीव्स बड़े बड़े होते हैं, ट्री तो बड़े होते ही हैं लीव्स भी बड़े बड़े होते हैं, तो ये सब भी नीम का, नीम तो आप जानते ही हो, ये भी इसलिए होता है क्योंकि इंसेक्ट्स वगैरह से उसको प्रिवेंट किया जाए, बचाया जाए, तो वो भी उस पर प्लेस किया जाता था। सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड। टर्माइट्स जो होते हैं खटमल, वो उसको हार्म ना पहुंचाए क्योंकि ये वुड यूज किया है इन्होंने, अपने फ्रेम बनाया है उसको ऊपर की जो छत है उसे बनाने के लिए, तो उसे भी बचाना है, इसलिए वो सारे लीव्स उसमें डाले जाते थे कि करो नीम के लीव्स। दिस बिल्डिंग मटेरियल वर कवर्ड विथ मड टू मेक द रूफ। कच्चा हाउस वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, पीपल नीडेड टू कोट द वॉल्स एवरी वीक। दीज हाउसेज ऑल्सो नीडेड रिपेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम। कच्चा हाउस, एज यू ऑल नो दैट इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पीपल नीड टू कोट द वॉल्स एवरी वीक। हर वीक में उन्हें उसकी कोटिंग करनी पड़ती थी, जैसे भी वो बना हुआ है अगर मड और स्ट्रॉ का यूज़ किया हुआ है तो वो भी देखना पड़ता था कि वो कहीं से ब्रेकअप नहीं हो रहा है, तो मड का कोटिंग किया जाता था ऊपर से, और इससे क्या होता था कि रिपेयरिंग होते रहती थी। ओके, निकिताज मदर लिव्ड इन अ वेरी बिग हाउस कॉल्ड हवेली। निकिता, नितिका की मदर हवेली में रहती थी। स्पेस वॉज नॉट अ प्रॉब्लम इन दोज डेज, सो मैनी पीपल बिल्ट सिंगल स्टोरी हाउसेज। स्पेस की उस समय बहुत प्रॉब्लम नहीं होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा जगह हुआ करता था इसलिए हवेली बनाया जाता था, और उसमें बड़े बड़े मतलब एरिया ले करके उसको घर को बनाया जाता था, इसलिए वो हवेली कहते थे। हवेली जस्ट लाइक दिस, सी इस तरह से तुम लोगों ने भी देखा होगा जब तुम लोग अपने विलेज जाते होगे, या मे बी एनी ऑफ यू हैव हवेली एट योर विलेज। पुरानी हवेली अभी भी होती है कुछ लोगों की, और काफ़ी सारे तो वैसे ब्रेक हो गए हैं, टूट गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के हैं हवेलीज। ओके, दे यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, वुड, स्टोन चिप्स एंड मड ब्रिक्स। मोस्ट हाउसेज हैड रूम्स बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड कॉल्ड द आंगन। वो लोग हवेली बनाने के लिए, हवेली तो पक्का हाउस की तरह ही है, तो कच्चा हाउस में जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो हवेली में नहीं, हवेली बनाने में नहीं होती हैं, उसमें लाइमस्टोन, वुड, स्टोन चिप्स, मड ब्रिक्स, जो ईंट होता है ब्रिक्स, ठीक है, ये सब टाइप की चीज़ों का यूज़ होता है बनाने के लिए। और मोस्ट ऑफ हाउसेस जो बने हुए होते थे पहले के, वो इस तरह से बने हुए होते थे कि उसके चारों तरफ से रूम्स होते थे, बिल्ड रूम्स अराउंड सेंट्रल कोर्टयार्ड कॉल्ड द आंगन, और बीच में जगह होती थी, चारों तरफ से रूम बनाए जाते थे और बीच में जगह छोड़ा जाता था, बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन टू प्ले, एल्डर्स टू सेट एंड चैट एंड वुमेन टू वर्क, ताकि वहाँ पर बच्चे खेलें और जिसे भी बैठना है, जो फ्री जिसका टाइम है वो बैठे वहाँ पर
और विमेंस घर के जो बैठ कर के कुछ ऐसे वर्क होते हैं वो करती थी, तो ये सब आंगन में होता था। आपके भी अगर विलेज में घर है तो यू कैन सी एंड रिमेम्बर दैट ना, आंगन नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। सो दिस टाइप ऑफ प्लेस इज कॉल्ड आंगन। इट वॉज अ प्लेस सॉरी दिस काइंड ऑफ हाउसेज हैड हाई सीलिंग एंड थिक वॉल्स। हवेली की बात हो रही है तो इस तरह के जो हाउस होते थे इसका सीलिंग हाई होता था, छत इसकी काफ़ी ऊंची होती थी। जिस तरह से अभी हम लोग जिस हाउसेज में रहते हैं, पक्का हाउस जो हम लोगों का हाउस है, इसमें सीलिंग उतनी ऊंची नहीं है जितनी हाई हवेलीज की होती थी, और वॉल्स भी इसके बहुत ही थिक होते थे, काफ़ी मोटे होते थे। द वॉल्स केप्ट द हाउस कूल इवन इन समर्स। पीपल डिड नॉट नीड एयर कंडीशनर्स और कूलर्स इन समर्स एज वी नीडेड नाउ डेज। वो थिक होने की वजह से और लाइमस्टोन यूज़ करने की वजह से वहाँ पर गर्मी नहीं लगती है उस तरह के हवेलीज में, हॉट फील नहीं होता है, इसलिए लोगों को एयर कंडीशनर और कूलर की ज़रूरत नहीं होती थी। अभी तो हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही समर आता है इन सब चीज़ों की नीड महसूस होने लगती है। द किचन वॉज बिल्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अदर रूम्स टू प्रिवेंट द स्मोक फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। किचन थोड़ा डिस्टेंस पे बनाया हुआ रहता था, थोड़ा जो रूम्स हैं बाकी सारे रूम्स उससे थोड़ा सा हट करके बनता था, ताकि जो उसके फूड मेक करने की वजह से जो स्मोकिंग होती है वो सारा दूर रहे। इवन द बाथरूम वर बिल्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अदर रूम्स। बाथरूम भी थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के अदर रूम्स से थोड़ा हट करके बनाया जाता था। अभी तो स्पेस की इतनी प्रॉब्लम होती है कि सारी चीज़ें ऐसी हवेलीज और ये सारा चीज़ कोई पर्सनल बना पाना बहुत ही मुश्किल होता है लोगों के लिए, बट दैट टाइम देयर वॉज नो एनी प्रॉब्लम टू मेक दिस टाइप ऑफ हवेलीज। तो लोग जिन जो काफ़ी रिच हुआ करते थे वो लोग अपना इस तरह से हवेली बनवाते थे, और हवेली सेल्फ नहीं बन सकता है जैसा कि कच्चा हाउस में देखा हम लोगों ने कि कच्चा हाउस, क्योंकि वो पुअर थे और पुअर होने की वजह से वो लोग इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि किसी दूसरे की हेल्प लें, तो इसलिए वो लोग सेल्फ ही उसे बनाते थे। सो चिल्ड्रन, दैट्स टुडेज अबाउट houses then and now। ठीक है, अब हम लोग rest of the part we'll discuss in next class। thank you।